हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मैं जय आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल एजे टैग में। दोस्तों, मेरे कई फ्रेंड सब्सक्राइबर ने ये बेस ट्यूब के कनेक्शन के लिए कमेंट करा था, तो वीडियो मैं उन्हीं के लिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं और भी इससे पहले वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो उसमें कनेक्शन लोगों को प्रॉब्लम हुई है। आप अपने होम थिएटर से कैसे कनेक्ट करोगे उसमें मैं बता दूंगा फिर से। और फ्रेंड्स, मैं कोशिश करूंगा इसमें आपको कम्प्लीटली समझ में आ जाए और सभी पॉइंट कवर करने की कोशिश करूंगा मैं इस वीडियो में। तो यहाँ पहले दोस्तों मैं बता दूं, ये बेस ट्यूब है। आप पहले कुछ लोगों के अंदर जो डाउट था मैं वो क्लियर कर देता हूँ। ये बेस ट्यूब आप किसी भी होम थिएटर से कनेक्ट कर सकते हो। आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी एम्पलीफायर की, पर्टिकुलर इस बेस ट्यूब के लिए पाइनियर का जो WX300TA करके इसका मॉडल नंबर है, तो इसके लिए, क्योंकि इसमें इनबिल्ट एम्पलीफायर है, तो आपको एम्पलीफायर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको केवल पावर सप्लाई की और कोई सा भी होम थिएटर जो आपके घर में हो, कोई सा पुराना हो, बस वर्किंग में होना चाहिए, किसी भी आप होम थिएटर्स को इजीली कनेक्ट कर आप इसको कर सकते हो। तो आज मैं सिंपली आपको समझा देता हूँ इसमें क्या क्या आपको करना रहेगा। पहले तो मैं आपको बता दूँ आपके पास होना क्या क्या चाहिए इस बेस ट्यूब को मतलब रन कराने के लिए आपको आपके घर में। तो पहले तो आपको ऑब्वियस सी बात, एक होम थिएटर आपके पास होना चाहिए। कोई सा भी होम थिएटर चलेगा, छोटा हो, बड़ा हो, कैसा भी हो, बस वर्किंग में होना चाहिए, वो रनिंग में होना चाहिए। उसके बाद दूसरी चीज़ बता दूं दोस्तों, ये जो बेस ट्यूब है केवल बेस के लिए है। और दूसरी चीज़, इसमें आप केवल यही स्पीकर जो बेस ट्यूब के साथ स्पीकर स्पीकर इसके अंदर लगा हुआ है, सबवूफर लगा हुआ है, वही रन करेगा। आप ये नहीं कर पाओगे कि आप इसके एम्पलीफायर से और कोई बेस ट्यूब और कोई स्पीकर आप रन करा लो इसके, तो आपके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाएगा, आप ऐसा नहीं कर पाओगे। तो आपके लिए इसके लिए आपके पास होम थिएटर होना काफ़ी ज़रूरी है। तो अब यहाँ बात करते हैं, आपके पास होम थिएटर होना चाहिए कोई सा भी। दूसरी चीज़, आपके पास बेस ट्यूब होनी चाहिए। बेस ट्यूब कोई सी भी हो सकती है, कोशिश करिए आप फ्रेंड्स, आप बेस ट्यूब जो आप यूज़ कर रहे हो, तो अगर आप नया बेस ट्यूब बाय करने का प्लान कर रहे हो तो कोशिश करिए आप बेस ट्यूब बोलें जिसमें एम्पलीफायर इनबिल्ट हो, क्योंकि एम्पलीफायर आप अलग से बाय करोगे तो काफ़ी सारे कनेक्शन के लिए आपको प्रॉब्लम हो सकती है, कई सारी वायर आपको कलेक्ट करने पड़ेंगे। तो ये एक बेस्ट तरीका है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती इस बेस ट्यूब में, अगर आपकी बेस ट्यूब में एम्पलीफायर इनबिल्ट है। तो ये थी दूसरी चीज़, तो बेस ट्यूब कोशिश करिए आप इनबिल्ट एम्पलीफायर वाली लें। अगर आप इनबिल्ट एम्पलीफायर वाली नहीं है तो आप फिर एम्पलीफायर खरीदिए, उसको तो आपके लिए ज़्यादा बड़ा जाम होने वाला। अगर आपके पास ऑलरेडी है बिना एम्पलीफायर की बेस ट्यूब, तो एम्पलीफायर खरीदिए, तो उसके भी सेम कनेक्शन हो जाएंगे और होपफुली इसमें मैं पॉइंट वो भी कवर कर दूंगा। तीसरी चीज़, आपके पास फ्रेंड्स पावर सप्लाई की मैं बात करता हूँ, तो पावर सप्लाई के लिए आपको या तो मैं देखिए मेरे पास ही SMPS है फ्रेंड्स, और ये SMPS की मैं कैपेसिटी दिखा देता हूँ फ्रेंड्स आपको, क्योंकि कई सारे लोगों ने मेरे से पूछा है कितने एम्पियर का इसमें रखूँ। तो दोस्त, ये DC आउटपुट इसका 12 वोल्ट 30 एम्पियर है, और इनपुट वोल्ट की आप रेंज देख पा रहे हो 86 वोल्ट टू 240 वोल्टेज तक है, और ±15% का इसमें वेरिएशन है। तो ये मैंने अमेजोन से बाय करी थी, मेरे को शायद ये 1000 या 1100 रुपये की पड़ी थी। तो ये करीब एक इसको एक साल होने वाला है फ्रेंड्स, तो मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, ये बेस्ट मैं दूसरे रूम में सेटअप करने वाला था, इसलिए मैंने सोचा आपको इस अभी वीडियो बना देता हूँ। और अभी मेरे ये सोनी वाले होम थिएटर से कनेक्ट थी, अभी मैं इसको कनेक्ट करने वाला हूँ मेरे FEND वाले से, तो उसको मैं कनेक्शन भी इसके मैं दिखा दूंगा इस वीडियो में। तो ये आपको एक SMPS की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो मेरे पास ये मैंने SMPS बाय करा था, मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और दूसरी चीज़ फ्रेंड्स, अगर आपके पास ये SMPS नहीं है तो आप जो कंप्यूटर का SMPS होता है, वो लोगों ने कई सारे फ्रेंड्स से मेरे पूछा है, तो फ्रेंड्स मैं बता दूँ उसकी अगर वॉट रेटिंग एम्पियर रेट उसका काफ़ी कम मेरे को लगता है, तो मेरे को लग रहा है कि ये बेस ट्यूब हो सकता है उस, क्योंकि इसकी बेस ट्यूब की रेटिंग 15 एम्पियर प्लस में आप रखोगे तो आपको अच्छी साउंड इससे मिलने वाली है। अगर 15 एम्पियर से एम्पियर रेटिंग कम हो जाएगी तो मेरे को नहीं लग रहा ये प्रॉपर आपको साउंड क्वालिटी इससे मिलेगी, बेस क्वालिटी प्रॉपर आपको मिल पाएगी। तो कोशिश करिए ज़्यादा एम्पियर रेट रखें, तो मैंने 30 एम्पियर की रखी है इसीलिए, क्योंकि एम्पियर रेट अगर ज़्यादा रहेगा तो अच्छी बेस आपको मिलती है, ज़्यादा साउंड पर आप बेस जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहती है अगर फुल वॉल्यूम पे आप इसको रन कराते हो। दूसरी चीज़, अगर आपके पास SMPS नहीं है फ्रेंड्स, तो आपके यहाँ आपके घर में इन्वर्टर अगर रहेगा तो इन्वर्टर से भी आप कनेक्ट कर सकते हो इसको। तो इन्वर्टर सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जैसे मैं पहले भी अपने वीडियो में बता चुका हूँ, तो आप इन्वर्टर को यूज कर सकते हो अपने इस बेस ट्यूब के कनेक्शन के लिए। अब चलते हैं दोस्तों कनेक्शन पे, तीन चीज़ें आपको अपने पास कलेक्ट करनी है, देन कनेक्शन पे आते हैं। तो फ्रेंड्स मैं बता दूँ, अगर आपके पास ये SMPS आप यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ मैं फ्रेंड्स आपको कनेक्शन दिखा देता हूँ। तो मेरी बेस ट्यूब में ये कनेक्टर दिया गया, इसमें फ्रेंड्स बता दूं ये डायरेक्ट उसमें पीछे कनेक्ट हो जाती है, मैं इसके पीछे आपको दिखाना चाहता हूँ।
तो ये फ्रेंड्स आप देख पा रहे हो यहाँ ये कनेक्शन वाला पोर्ट बना है, यहाँ के एक फ्यूज भी लगा हुआ है 20 एम्पियर का ये। तो यहाँ क्या करना है, वो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है। और इस वाले पॉइंट से मैं फ्रेंड्स आपको बता दूँ, इस वेस्ट ट्यूब में डायरेक्ट क्या रहेगा, इसी ये कनेक्ट पोर्ट में जैसे ही कनेक्ट करूँगा तो यहाँ से पावर भी इसको मिल जाती है। इसी में कुछ पॉइंट दिए हैं पावर वाले, और इसी में ऑडियो इनपुट के भी पोर्ट हैं। फ्रेंड्स आपने करना ये है, ये मैं फिर बता देता हूँ आपको एक बार। इसमें ये आपका पावर सप्लाई हो गया, ये पावर सप्लाई ये आपको डायरेक्ट पावर कॉर्ड में कनेक्ट कर देना है। इससे कह रहा है कि इसमें पावर आ जाएगी। उसके बाद ये 12 वोल्ट का पावर कनेक्ट कन्वर्ट करके एसी वोल्टेज को 12 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करके आपको बीएसटी में ले जाना है आपको पावर। तो इसके लिए आपने करना क्या है, यहाँ पे मैंने प्लस एंड माइनस के आपको दिखाई थी फ्रेंड्स, अभी आप देख पा रहे होंगे ये प्लस एंड माइनस से कनेक्ट कर लिया, जिसमें ब्लैक वाला माइनस है और येलो वाला प्लस है। अब क्या करना है फ्रेंड्स, मैं मेरी बीएसटी के साथ ये कनेक्टर एक आया हुआ था, आप पहले इसको देख लीजिए फ्रेंड्स। तो इसको क्या है, मैंने कोई भी एडिशनल वायर नहीं लगाया, ये सभी वायर मेरी वेव ट्यूब के साथ कनेक्ट होके आए थे। इसी में फ्रेंड्स आपको बता दूं, इसमें आपको ये पावर के भी पोर्ट मिल जाते हैं और दूसरा आरसीए का भी मिल जाता है। तो यहाँ मैं आपको दिखा दूं फ्रेंड्स, ये जो येलो वाला वायर दिख रहा है, दो वायर इसमें कंबाइंड हो रखे हैं, ये आपका पॉजिटिव वायर है और बाकी ये ब्लैक वाला जो वायर आपको दिख रहा है, ये भी दोनों कंबाइंड हो रखे, जो ये नेगेटिव वायर हैं। तो यही दो वायर हैं फ्रेंड्स, ये मैं दिखा दूँगा आपको, ये दोनों गए हुए हैं यहाँ से, और ये मैंने बंद क्योंकि काफ़ी सारी वायर थी उनको इकट्ठा कर दिया है। ये यहाँ से आके इसमें एक फ्यूज भी आपको मिल जाएगा इसमें साथ में लगा हुआ। फिर मैं बता दूं, ये नेगेटिव वायर हो गया, ये पॉजिटिव वायर हो गया। इसके बाद फ्रेंड्स आपको ब्लू वाला वायर ये एडिशनल आपको इसके साथ मिलता है। ये दोस्त क्या है मैं बता दूं आपको, ये एक्चुअली में आपका रिमोट वायर है, ये मेरे लिए आपको कार में यूज होता है, क्योंकि जब कार में आप उसका पावर ऑन आपकी की से ऑन करते हो तो बेस ट्यूब के पावर जाती है, तो उसके लिए वो यूज होता है। अगर आप होम सेटअप करना चाहते हो तो इस वायर की ज़रूरत मैं आपको बता दूँ क्या पड़ने वाली है। इस वायर को सिंपली आपको एक साइड इसका फ्री मिलेगा आपको, एक साइड ये वायर में बता दूं, ये आपका बेस ट्यूब में जाएगा, इधर से कनेक्ट होकर इस कनेक्टर में जुड़ा हुआ है यहाँ में, आप ये देखिए ये बेस ट्यूब में जाएगा। उसके बाद दूसरा एंड जो रहेगा वो फ्री रहेगा। इसको क्या मैंने करा, यहाँ दोस्त आपको टेपिंग दिख रही है, इस टेप से मैंने ये येलो वाले वायर में कट करके जोड़ दिया है, यहाँ पर हल्का सा यहाँ छील के और दोनों को यहाँ जोड़ दिया। इससे क्या है, ये बाईपास कनेक्शन हो गए हैं। इसके बाद क्या रहेगा, तो ये टोटल कनेक्शन आपको समझ में आ गए। अब जैसे ही इसको आप कनेक्ट करोगे आपकी बेस ट्यूब में पावर आना शुरू हो जाएगी। अब बेस ट्यूब में पावर आना शुरू होगी, उसके बाद आपने करना क्या है, ये आपको बेस ट्यूब को साउंड का इनपुट देना है अपने होम थिएटर से। तो उसके लिए आपने सिंपल फ्रेंड्स ये करना है, इसमें आपको दो पॉइंट मिल जाते हैं आरसी केबल के, एक ये वाइट वाला एक रेड वाला। मैंने फ्रेंड्स रेड वाला यूज करा, ये लेफ्ट एंड राइट चैनल के लिए होते हैं। यहाँ मैं आपको दिखा दूँ, इसमें ये फ्रेंड्स आप देख पा रहे हो ना, ये एक है एक्चुअली में ये वाइट एंड ब्लैक एंड ये रेड एंड ब्लैक। तो यहाँ फ्रेंड्स आप कोई सा भी वायर यहाँ कट कर सकते हो, इसको अगर कट करना चाहो तो, और यहाँ से दो वायर जो आपको मिल जाएंगे वो आप किसी भी होम थिएटर में जोड़ दीजिए। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ मैंने क्या करा, ये एक्चुअली में ये जो रेड वाला आपको दिख रहा है, रेड एंड ब्लैक वाला, इसमें मैंने क्या करा, ये इस टाइप का है प्योर ऊपर, तो यहाँ मैंने इसमें एक वायर अंदर लगा दी, एक वायर आउटर सरफेस पर रैप करके ये जो दो वायर निकले हैं, ये वाला वायर ये मैं होम थिएटर में कहीं भी जोड़ देता हूँ, चाहे मेरा FMD का स्पीकर हो चाहे सोनी का हो, सोनी के सबवूफर के साथ मैं पीछे कट करके ये दोनों वायर जोड़ दूंगा, तो ये होम थिएटर में आपको आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स आपको ऐसे इसमें करना है, एक वायर मैंने अंदर इसमें लगा दिया, एक वायर उसके बाहर रैप कर दिया है। या आप इस केबल को काटना चाहो तो मैंने इसको काटा नहीं, तो यहाँ से भी आप काट के दो वायर बिजली आप निकाल सकते हो, तो मैंने काटा नहीं, तो आप भी मत करिए, काटिए मत इसे, क्योंकि अगर आपको आपके यहाँ कार वगैरह तो उसमें यूज़ करने के लिए इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो ये दो वायर मैं बता दूं फ्रेंड्स, इसमें आपको केवल पावर के लिए मैंने जोड़ी दी है, पावर इस यहाँ से आपके में पहुँच जाएगी SMPS से बेस ट्यूब में। उसके बाद इसमें मैंने जो दो वायर इसमें जोड़ी थी मैं आपको अभी दिखाया था, इसमें ठीक है दो वायर इसमें जुड़ जाएंगे एक साइड से, ठीक ये दो वायर इसमें जुड़ जाने के बाद इसका जो दूसरा एंड बचेगा वो बच रहा है, ये मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर ये, ठीक है। तो यहाँ मैंने यही करा है फ्रेंड्स, ये जो रेड एंड ब्लू वाला वायर आप दिख रहा है, ये मैंने रेड वाले से कनेक्ट किया हुआ है, यहाँ आप देख पा रहे हो रेड एंड ब्लू वाला वायर। तो इसका एक बार इससे जब कनेक्ट कर देंगे तो दूसरा एंड मैंने ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें यहाँ आके ये वाला फ्री हो गया अब, ठीक है ये वाला वायर मैंने इसमें कनेक्ट कर, रेड वाले में कनेक्ट हो रखा है। अब ये वाले जो दो वायर आपको दिख रहे हैं फ्रेंड्स, ये मैं होम थिएटर में मैं जोड़ दूंगा, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कहाँ मैं जोड़ता हूँ इसको, और ये बेस ट्यूब रन करने लग जाएगी, अभी मैं कनेक्ट करके आपको डायरेक्ट दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स ये मेरा सेटअप है, मैं FND से कनेक्ट करूँगा, अभी ये कनेक्ट हो रखा है, अभी मैं इसको बेस ट्यूब को कनेक्ट करके बता रहा हूँ कैसे कनेक्ट करना है। तो मैंने ये जो मैं ये मैं देख पा रहा हूँ इसको मैं कनेक्ट कर दे रहा हूँ इसमें डायरेक्ट।
तो यहाँ फ्रेंड्स ये कनेक्ट हो गया। और बाकी मैं बता दूँ, अगर इस ये कनेक्शन में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो मैंने एक वीडियो और इस पर सेपरेट बनाया हुआ है, मैं उसकी लिंक भी इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वो भी आप देख सकते हो। ये आपको डरने की ज़रूरत नहीं, इसमें बहुत सारे आपको वायर दिख रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है दोस्त, वायर बहुत ही कम है। एक्चुअली मैंने ये वायर कट नहीं करे हैं क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं मेरी कार में अगर इसको कनेक्ट करूँगा तो इन वायर की मेरे को ज़रूरत पड़ने वाली है, तो ये मैंने कट नहीं किया, नहीं इनको आप मैं कट भी कर सकता था तो मैंने कट नहीं किए हुए हैं। तो ये था, मैंने इसमें कनेक्ट कर दिया है। और मैं मेरी ये जो आप देख पा रहे हो इसको पावर दे रहा हूँ अभी, इसको पावर देने के लिए मैंने जो दो येलो वायर में बताया था ना फ्रेंड्स, ये वाले, ये मैं लगा देता हूँ मेरी पावर कॉर्ड में डायरेक्ट। यहाँ मैंने फ्रेंड्स इसको कनेक्ट कर दिया है और यहाँ देखिए इसमें ब्लू लाइट जल गई है, तो इसमें मतलब इसमें पावर आ गई, इसका फैन भी चलने लगा, इसकी आवाज़ सुन पा रहे होगे। और यहाँ बेस ट्यूब में ये ब्लू एलईडी ब्लिंक करने लगी है, तो इसका मतलब बेस ट्यूब में पावर चली गई है। अब मेरे को करना बेस ट्यूब को कनेक्शन देने हैं, जो मैंने आपको बताए थे ना, ये जो व्हाइट वाला रेड वाला मैंने कनेक्ट कर रखा, इससे दो वायर, तो मैंने रेड वाले से ऐसी कनेक्ट कर रखा। आप फ्रेंड्स एक ही से कनेक्ट कर सकते हो, दोनों से कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ रेड वाला इसके अंदर मैंने टेप में रैप कर रखा, उसमें कनेक्ट है। तो अभी मैं इसके दो वायर ना मेरे होम थिएटर से जोड़ने वाला हूँ, बताता हूँ मैं कहाँ जोड़ता हूँ उनको। तो फ्रेंड्स ये वही वाले वायर हैं जो मैंने इससे कनेक्ट किए हुए हैं। अब इन वायर को मैं क्या करता हूँ, मेरा ये टावर स्पीकर है जो FND का, इसके पीछे मैं इसको यहाँ जोड़ दे रहा हूँ, इसी में कनेक्ट कर दूँगा जी। यहाँ फ्रेंड्स मैंने इसको यहाँ कनेक्ट कर दिया है इसमें। अब क्या ये बेस ट्यूब कनेक्ट हो गई है, मैं अभी गाना इससे अभी होम थिएटर कनेक्ट करता हूँ मेरे फ़ोन से, दूसरे फ़ोन से, और आपको गाने प्ले करके बताता हूँ। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, अगर आपके पास ऐसा होम थिएटर नहीं है तो आप ये वाले जो दोबारा मैं बता रहा हूँ, तो होम थिएटर से जो आए हुए हैं वो किसी भी स्पीकर के पीछे अगर कनेक्ट करने वाला नहीं तो कोई से भी उसके वायर रहेंगे उनमें आप थोड़ा सा कट लगा के इन वायर को डायरेक्ट इसमें बाईपास करके यहाँ जोड़ सकते हैं। यहाँ पे अगर ये यहाँ पे आपके पास कनेक्शन वाले पोर्ट नहीं है तो यहाँ कट मार के आप इसको डायरेक्ट यहाँ जोड़ सकते हैं। तो ये एक प्रॉपर कनेक्शन दोस्तों, अब बेस ट्यूब रन करने लग जाएगी आपकी। तो अभी मैं कनेक्ट करके गाना बजा रहा हूँ, आपको सुनाता हूँ फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है, ये आपको आवाज़ इसकी सुनाई पड़ रही होगी फ्रेंड्स, बेस ट्यूब कनेक्ट हो गई इससे। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, प्लस माइनस का विशेष ध्यान रखना, नहीं तो हो सकता आपको प्रॉब्लम हो जाए, आपकी बेस ट्यूब खराब भी हो सकती है। प्लस माइनस का विशेष ध्यान रखें। अभी मैं इसको कनेक्ट कर दिया, फ्रेंड्स वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, मैं वीडियो कहीं एंड करने वाला हूँ। तो ये पूरा कंप्लीट था कनेक्शन का वीडियो, और अगर आपको समझना है तो मेरे से कमेंट करिए, मेरा नंबर व्हाट्सएप में रहेगा, मैं व्हाट्सएप से भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मैं आपको प्रॉपर समझा दूंगा। तो वीडियो कहीं एंड करते हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू।